एक हैं राहुल गांधी। भगवान ने बड़े फुर्सत के क्षण में इनका सृजन किया था। जब सरकारें अपनी बात को रख देती है, कल मीटिंग हुआ, मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद स्थापित किया, सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो बयान देने के लिए राहुल गांधी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी कहां छुप गए हैं, बाहर आइए, देश आपके साथ है, हम सब लोग साथ हैं, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोला, स्पष्ट रूप से बोला, बिल्कुल साफ साफ लहजों में प्रधानमंत्री जी ने देश को, देश की जनता को और विपक्षी नेताओं को समझा दिया कि हमारी आज की स्थिति यह है। फिर भी एक व्यक्ति है राहुल गांधी जिनको न संविधान पे विश्वास है, न नेताओं पे विश्वास है, न उनके अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है और न देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री पर विश्वास है। मैं इसलिए बात कहता हूं कि बड़ी दुख होती है कि आप प्रधानमंत्री को हर हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप एक थोड़ी सी भी मर्यादा नहीं रखते। मुझे आपके शिक्षा पर सवाल उठा रहा हूं कि कैसा संस्कार और शिक्षा आपको मिला है कि देश को इस विपत्ति के समय में किस तरीके से लीड करना चाहिए, वो भी आप नहीं जानते। आप मुंह से खाली बोलते हैं कि हम साथ हैं और प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप ये सुन लीजिए, जनता वोट कब देती है? जनता वोट तब देती है जब वो अपने नेता को विश्वास करती है। और किसी भी एजेंसी से आप ये सर्वे करा लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना विश्वास जनता के साथ नहीं खोया है। आज भी जनता, देश की जनता मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आप जितना छल प्रपंच कर लीजिए, जितना आप बयानबाजी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग मोदी के साथ हैं। आप मुझे बताइए, देश को बताइए, आप इस समय में जो समय अभी बीत रहा है, आप बताइए कोरोना महामारी में आप क्या करते? जो चाइना ने किया, जब जब चीन ने भारत के साथ दुस्साहस किया है, जब जब गद्दारी की है, कुछ ना कुछ आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने छोड़ा नहीं, बैक नहीं हटे थे क्या? नरेंद्र मोदी हटे हैं? हमारी सेना हटी, अपनी शहादत के बल पे भी उनको मार के मारा है और देश को बरगला रहे हैं। आप किसको सुना रहे हैं? उनकी नियत और नीति पर शक मत कीजिए राहुल गांधी। आप समझ लीजिए कि वो जो कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये सच्ची बात थी और आज भी वो चट्टान की तरह देश को नहीं झुकने दिया। याद है ना, आज की घटना है कथुआ में, जब पाकिस्तानी ड्रोन हथियार गिराने आया, उसको हमारे जवानों ने ऊपर में मार के खत्म कर दिया। ये है नया भारत। विपक्ष है, बोलने का अधिकार है, सरकारों में कुछ कमियां होती है कि आप जैसे महान, इतनी विपक्षी पार्टियों का दंश भी उनको झेलना है, विरोध भी उनको झेलना है, केजरीवाल जैसे भी नेता यहां पर हैं और सीताराम येचुरी जैसे नेता और सब में आग में घी डालने वाले ये कांग्रेस पार्टी के लोग, आप जैसे नेता भी हैं, इतने मोर्चों पे लड़ करके और ये व्यक्ति देश को आगे लेकर के जा रहा, आपको बहुत पीड़ा हो रही है कि कैसे मोदी सफल हो रहा है। अरे मोदी नहीं सफल हो रहा है, मोदी के साथ 135 करोड़ लोगों का विश्वास सफल हो रहा है और आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं। आप जितना चिल्लाते रहिए, जितना आपको बयानबाजी करना है, जितना आप और आपकी माता, आपका पूरा खानदान देश को समझाते रहे, देश समझने वाला नहीं है। कम से कम मेरे जैसा एक युवक ये बात कहने के लिए मजबूर है आज कि आपके जैसे पागल को देश कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। ये गांठ बांध करके रख लीजिए और विपक्ष में कोई ऐसे नेता है नहीं जो उस कुर्सी पर जाकर के बैठने के लिए है। और आप देख लीजिएगा अगले 2024 में, याद है ना, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था 2029 की तैयारी कीजिए। यस, सही कहा था। आपके किए गए 70 साल आजादी के बाद और पिछले 100 साल का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी कर रहा है। और एक एक कैंसर का इलाज किस ऑपरेशन से होगा, कौन सी दवाई देनी होगी, किसको किस समय वो दे रहा है, खिला रहा है और चीजें ठीक भी हो रही है। आपको जब पाकिस्तान के साथ जब आपका मामला नहीं चला, देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे ही आता है यहां सेना ठोक देती है, तब आप चाइना के पास चले गए।
और चाइना से उकसाने लगे। जिनपिंग को पता चले, चल जाने दीजिए, चल जाएगा। राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री जी को रूस से लौट के आने दीजिए। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार चूड़ी पहन करके बैठी है? देश का हर युवक कुर्बान होने के लिए एक इशारे पे आप क्या साथ रहिएगा? आप तो जा करके अपने आवास में छुप जाइएगा अगर वैसी जरूरत हो गई। और नरेंद्र मोदी ने अगर एक आह्वान देश को कर दिया ना, तो देश का जितना युवक और युवतियां हैं सरहद पर अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए अपने भाइयों के साथ जाकर के खड़ी हो जाएगी। आप क्या साथ दीजिएगा? आपके गद्दार परिवार ने इस देश को कभी साथ दिया है? याद नहीं है जब हमने अरुणाचल में 1962 की लड़ाई लड़ी, कौन था उस समय उसको लीड करने वाला जो आकर के दिल्ली के एम्स में भर्ती हो गया था? आपके नाना नेहरू कहां थे? सरदार पटेल ने कहा था कि चीन पर विश्वास मत करो, मत करना, लेकिन फिर भी आपके नाना ने वही सब काम किया। और लता जी ने गाना गाया, मेरे वतन के लोगों जरा खूब भर आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उसकी जरा याद करो कुर्बानी। किसके कारण वो कुर्बानियां हुई थी? संसाधनों के कमी के कारण हमारे सैनिक भाई मारे गए और एक बहुत बड़ा भूभाग चीना चाइना ने 1962 में हड़प लिया। और आज चले हैं आप मोदी को दोष देने के लिए। अरे मोदी एक इंच जमीन नहीं देगा, एक इंच जमीन नहीं। और याद रखिए, जो ले लिया है उसको भी वापस लेगा। समझ गए? अनर्गल बयानबाजी से बचिए। आप उस लाइक नहीं, आप राफेल पे भी बहुत झूठ फैला रहे थे ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपका राफेल का बात। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज, जो मुद्दा लाते हैं सब खत्म। आप विजय माल्या नीरव मोदी की बात करते थे ना, उसकी दुर्दशा देखिए कि आपके बयानबाजी के कारण सरकार एक्शन में है तो उसकी दुर्दशा क्या है। कर्जा देने वाले आप हैं, आपकी सरकार है। नीरव मोदी के बैंक गारंटी में हस्ताक्षर करने वाले राहुल गांधी जी आप हैं, आपकी सरकार ने दिया था और आपने, आज आप मोदी को घेरने चले हैं। देश के गरीबों का पैसा लूट करके, टैक्स पेयर का पैसा लूट करके आप सत्ता में बैठे रहे और आज आप ये सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, सब समझते हैं हम लोग। गुस्सा इसलिए आता है, माफी चाहूंगा, क्योंकि आप अनर्गल प्रलाप जो करते हैं, जिस तरीके से एक सरकार को आप इतनी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि सरकार सारी चीजें आपके साथ रणनीति साझा करे, इसलिए कि आप दुश्मन देश को आपके लोग खबर दे दें। क्या पाकिस्तान में जाकर के मनीष शंकर अय्यर जी ने नहीं कहा कि मोदी को हराना है, हमारा साथ दीजिए? और इस सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि कल आप इसी मुद्दे पर घेरिए कि उसको यह पता कैसे चल गया? सब बात समझते हैं, मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है, सीजंट आदमी है, सीजंट, समझे? और आपके, आपकी पार्टी के लिए बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन। ये मेडिसिन आप खाते रहिए और अनर्गल प्रलाप करते रहिए। रिटायरमेंट आपकी तय है, देश मोदी के साथ है, मोदी के साथ रहेगा। जनता का विश्वास अभी बना हुआ है, टूटा हुआ नहीं है, समझ गए? युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है। जो चीज आपने किया है वो जब आप पर चोट पहुंचता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, हैं? एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आप अपने 5 सितारा होटल में ले जाकर के विधायकों को कैद करके रखे हैं ताकि आपके विधायक बिक नहीं जाएं। बिकते हैं तभी ना लोग खरीदते हैं, इसीलिए तो लोग विधायक बनते हैं कि एक मौका आएगा, इतना करोड़ रुपया ले लेंगे। ईमानदारी से सारे देश के राजनेता अपनी अपनी संपत्ति का घोषणा कर दें, पता चल जाएगा कि देश का कितना पैसा और संपत्ति आप लोगों ने दबा करके रखा हुआ है, ठीक है? विशेष महान है आप, इसी तरीके से आप करते रहिए और आप अपनी राजनीति चलाते रहिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपका असर, बेअसर भाषण होता है, बेअसर की बातें आप करते हैं। प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, प्रधानमंत्री हर महीने 2 बार आ जाते हैं जनता के सामने, अपनी बातों को रखते हैं। कोरोना में उन्होंने इतनी बेहतरीन ढंग से अपना नेतृत्व दिया है, आप उनको बोलते हैं भैया 70 साल में आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सिस्टम में बना के रखा? इतनी बड़ी आबादी, 135 करोड़ की आबादी, और उसको कंट्रोल करना कोरोना में। मैं जानता हूं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास स्वास्थ्य विभाग इतना मजबूत नहीं है कि इस महामारी को रोक ले। अव्यवस्था होगी,
जो लॉकडाउन किया गया उसमें सरकार ने कुछ व्यवस्था की, कंट्रोल करने की कोशिश की, इसको आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। आप अपने बयान सबको कभी कभी रात को सोइए तो आप उसको चला चला करके पढ़िए, सुनिए आप क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। और ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा।